जोशीमठ में क्यों मंडराया संकट, क्यों दरकने लगा पहाड़, कौन है जिम्मेदार, विस्थापित लोगों के लिए प्लान क्या है, आपदा से कैसे निपटेगी सरकार, जोशीमठ से जुड़ी बड़ी खबरों का अपडेट देखिए दरकता जोशीमठ में। जोशीमठ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी एक्शन मोड में आ गए हैं। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के सीएम से फोन पर बात की है। पीएम ने सीएम धामी से जोशीमठ पर सवाल करते हुए पूछा कि कितने लोग प्रभावित हुए हैं, साथ ही हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। जोशीमठ आपदा पर सीएम धामी का कहना है कि खतरे की जद में आने वाले सभी मकानों को खाली करवा लिया गया है। जो खतरे की जद में आने वाले 68 मकान थे उन सभी को शिफ्ट किया गया है। चमोली डीएम ने जोशीमठ को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया। जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से दो टीमें भी जोशीमठ पहुंची हैं। वहीं बताया जा रहा है कि बीआरओ की टीम भी थोड़ी देर में जोशीमठ पहुंचने वाली है। जोशीमठ पर केंद्र सरकार ने 7 संगठनों की कमेटी बनाई है। केंद्र सरकार ने हालात को स्टडी कर रिपोर्ट देने की बात कही है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। साथ ही पीएमओ ने लोगों को जल्द सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने के निर्देश भी दिए। जोशीमठ के हालात पर कल पीएमओ ने हाई लेवल मीटिंग की थी। जोशीमठ पर संकट गहराता जा रहा है। गढ़वाल के आयुक्त के मुताबिक 610 मकानों में दरार आई है। 13 परिवारों को कल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अस्थायी राहत केंद्रों में अब तक 68 परिवार पहुंचे हैं। 82 और परिवारों को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड के जोशीमठ शहर पर जमीन में धंसने का खतरा हर घंटे के साथ बढ़ता जा रहा है। इस पूरे इलाके को सिंकिंग जोन करार दिया गया। बीते 48 घंटों में जमीन धंसने से टूटे मकानों की संख्या 561 से बढ़कर 610 हो गई। केंद्र सरकार ने जोशीमठ में एनडीआरएफ की एक टीम और एसडीआरएफ की 4 टीमों को तैनात कर दिया है। इन टीमों को किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा गया। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने और कई घरों में दरारें पड़ने की घटनाओं से हड़कंप मचा हुआ है। संकट को लेकर बैठकों के बाद जोशीमठ में ड्रोन से सर्वे शुरू हो गया ताकि इलाकों की सही स्थिति का पता लगाया जा सके। जोशीमठ पर दायर याचिका सीजेआई के सामने मेंशन की गई। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच के सामने मामला मेंशन किया। याचिकाकर्ता के वकील ने बेंच से कहा कि मामले पर जल्द सुनवाई की जाए। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने यह याचिका दायर की है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।